वहीं फरीदाबाद में हमारे संवाददाता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर विजय प्रताप सिंह से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार पूरे देश में चल रही है और अब ये यात्रा आगामी 23 तारीख को फरीदाबाद में पहुंच जाएगी और इसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं विजय प्रताप सिंह, इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है यात्रा का। इनसे हम जान लेते हैं यात्रा को लेकर क्या कुछ रहने वाला है फरीदाबाद में। विजय जी, क्या मानते हैं जी, किस तरीके से देख रहे हैं यात्रा को? देखो, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है, ऐतिहासिक है यात्रा जी और विश्व में अपनी तरह की अद्वितीय है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं और जितना जन समर्थन राहुल जी की इस यात्रा को मिल रहा है इतना किसी ने अपेक्षा भी नहीं की थी, सच्चाई ये भी है। तो इसका मतलब तो यह है कि लोग इस विचार के साथ खड़े हैं कि सद्भावना के लिए, क्योंकि पिछले 8 साल में तकरीबन आप देखिए कि हालात ऐसे बना दिए भाजपा ने देश में कि क्षेत्र को क्षेत्र के नाम से, भाषा को भाषा के, जाति के नाम पर, कहीं कपड़ों के नाम पर, कहीं कलर के नाम पर, कहीं संस्कृति के नाम पर बांटने का काम बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है देश को तोड़ने का काम कर रही है, इसीलिए बौखला रही है। और जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, तमाम लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। फरीदाबाद से